इस वक्त की बड़ी खबर से देवभूमि की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दरअसल पीएम मोदी से मिले हैं सीएम धामी। यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई है, संगठन और सरकार के मुद्दे पर भी चर्चा की है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से। उत्तराखंड में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और इस मुलाकात के बाद ये अटकलें और भी तेज हुई। प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भावर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव हमें साफ तौर पर दिखता है और केंद्र की तरफ से उत्तराखंड की मदद की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, तो इसमें और क्या बातचीत हुई है और क्या सौगात मिलने की उम्मीद उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं? देखिए कुंदन, जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो उत्तराखंड की योजनाओं का जिक्र ज़रूर होता है, जो मुख्यमंत्री ने किया भी है। जमरानी बांध की बात उन्होंने की, 2800 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से मंजूर हुए और इसके निर्माण की स्वीकृति जैसे ही शुरू हो जाएगी तो उससे नैनीताल, उधम सिंह नगर दो जनपदों को पेयजल का पानी मिलेगा। और करीब 40 साल से पुरानी ये योजना है। केसी पंत ने इस योजना का शिलान्यास किया था, एनडी तिवारी योजना को लेकर आए थे, लेकिन लंबे समय से ये योजना अभी भी ठप पड़ी थी। इसके अलावा उत्तराखंड की बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसके लिए या तो जो फंड आ चुके हैं उस पर स्वीकृति मिल जाए या फिर जिनके लिए अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है उनके लिए मुख्यमंत्री ने बात की है। जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि कैबिनेट का रिशफल या फिर कैबिनेट का विस्तार कब होने जा रहा है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लौटने के बाद कुछ दिनों के बाद ये कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। विस्तार होगा या फेरबदल होगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अभी 4 पद रिक्त है, 3 पद पहले से रिक्त है जो खाली छोड़े गए थे और 1 चंदन रामदास जो परिवहन मंत्री थे उनके देहांत के बाद 4 सीटें अभी खाली है। दावेदार बहुत सारे हैं, 47 टोटल मैंडेट है बीजेपी का, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये कैबिनेट का विस्तार या फेरबदल जो होना है ये 15 जुलाई से पहले हो जाएगा। इस तरह की बातें सूत्र बता रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा रहा उसे देखकर ये लगता भी है। उन्होंने संगठन से लेकर केंद्र के आलाकमान के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। बीएल संतोष से वो मिले हैं जो संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिनके पास रहती हैं, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार है अब वो जल्द ही कुंदन देखने को मिल सकता है। सुरेंद्र, संगठन को लेकर के क्या कुछ अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा बीजेपी ने कई प्रभारियों को बदला, अलग अलग स्टेट के प्रभारियों को बदला है और संगठन में बदलाव किए हैं, तो उत्तराखंड के संगठन को बदलाव क्या हो सकता है संगठन में? और जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं या फेरबदल की बात जो चल रही है उसमें क्षेत्रीय और जातिगत आधार पर किसी बैलेंस की जरूरत है क्या, जिसे बनाने की कोशिश की जाएगी इस मंत्रिमंडल विस्तार या रिशफल के जरिए? देखिए बिल्कुल, पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर अगर बात करूं तो ये जरूर देखा जाएगा कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन क्या था। कैबिनेट में अभी तक 2 दलित नेता हुआ करते थे, चंदन रामदास की मृत्यु के बाद 1 पद खाली है, तो संभवतः 1 और दलित चेहरे को, या कुमाऊ हो या गढ़वाल हो, कहीं से भी 1 दलित चेहरे को और जगह मिल सकती है। और दूसरा जो क्षेत्रीय संतुलन है वो जरूर देखना होगा। देहरादून से 2 मंत्री आते हैं और अगर किसी मंत्री को नहीं हटाया जाएगा तो ये मान के चलिए कि देहरादून से 3रा मंत्री कोई नहीं होगा, वो किसी अन्य क्षेत्र से होगा। कुमाऊ हो, गढ़वाल हो, सभी जगह ये बैलेंसेस सरकार को देखने होंगे। इसके अलावा जो आपने संगठन की बात की तो उत्तराखंड के जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी हैं इनमें बदलाव की बातें कही जा रही है कि इनको बदला जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है ऐसे में उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। इसलिए ये बात भी चल रही है कि यहाँ पर प्रभारी और सह प्रभारी में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जेपी नड्डा से सीएम मिले हैं, बीएल संतोष से सीएम मिले हैं, देर रात गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, आज सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तो 4 बड़े जो नेता संगठन और सरकार के हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है, तो हरी झंडी लगभग मिल चुकी है और सीएम के आने के बाद कुंदन ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं।